सुपर पावर अमेरिका आग के सामने बेबस हो गया है, इतना बेबस कि हजारों हेक्टेयर जंगल राख हो रहे हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इसे बुझाने में नाकाम हो रहा है। 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 2 दर्जन के करीब विमान और हेलीकॉप्टर भी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को काबू करने के लिए लंबे वक्त से जूझ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जंगल की ये आग बुझ नहीं रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक चिंगारी भड़की, फिर ऊंची लपटें उठी और शुरू हो गया आग का तांडव। आग की तपिश में राख होता जंगल, झुलसते घर, बर्बाद होते आशियाने। तस्वीरें अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया की हैं। यहां के सैन बर्नार्डिनो काउंटी के पहाड़ आग से दहक रहे हैं। आग की वजह से हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर महफूज जगहों पर ठिकाना खोजने की मजबूरियां पड़ी है। कैलिफोर्निया फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक जंगल में लगी आग 15,000 एकड़ इलाके में फैल गई है। मंगलवार को साउथ कैलिफोर्निया से 82,000 लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाया गया है। आग से सबसे ज्यादा प्रभावित कैजोन पास के पास 700 फायर फाइटर्स लंबे वक्त से आग बुझाने के लिए जूझ रहे हैं। आग से निकलने वाले धुएं की वजह से 3,00,000 एकड़ का इलाका प्रभावित हुआ है। सूखे से जूझ रहे पश्चिम अमेरिका में तकरीबन 3,00,000 हेक्टेयर खेतों में लगी फसलें भी तबाह हो गई हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को क्लेटन फायर कहा जा रहा है। इस आग को शांत करने के लिए 2100 फायर फाइटर्स के साथ विमान और हेलीकॉप्टर भी कोशिश में जुटे हैं। सैन बर्नार्डिनो काउंटी के शेरिफ और US फॉरेस्ट सर्विस के अफसरों के मुताबिक आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों से पानी भी डाला जा रहा है। आग बुझाने के काम में पानी के टैंकरों वाले 19 हेलीकॉप्टर और 4 विमान लगाए गए हैं। रविवार को लगी इस आग से उठने वाला धुआं 200 मील दूर तक पहुंच गया है। इलाके में बह रही तेज हवाएं आग को लगातार भड़का रही हैं। आग से अब तक 175 घर राख हो गए हैं। 1500 घरों को नुकसान पहुंचा है जबकि 1400 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। सैन बर्नार्डिनो काउंटी के शेरिफ ने 380 इमारतों को खतरनाक घोषित कर दिया है। इस बीच जंगल में आग लगाने के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। 40 साल के डेमिन पाशलिक पर जानबूझकर जंगल में आग लगाने का इल्जाम लगाया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका के इस हिस्से में बीते 4 साल से सूखा पड़ रहा है। इस वजह से कैलिफोर्निया में गर्मी भी जोरदार पड़ रही है। मौसम का मिजाज लगातार बदलने से यहां बिजली गिरने और तेज हवाओं की वजह से जंगल में अमूमन आग लग जाती है। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन ने ब्लू कट फायर की वजह से सैन बर्नार्डिनो काउंटी में इमरजेंसी लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ीमी जी।